भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि रफाल विमानों का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश है, और खासकर उनके लिए जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। भारत के रक्षा मंत्री की ओर से आए इस कड़े बयान के बाद टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर एक बार फिर रफाल विमान की खासियतों और मारक क्षमता की तुलना दुनिया के दूसरे लड़ाकू विमानों से की जाने लगी। इन विमानों को ऐसे समय में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अपने चरम पर है। ऐसे में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या भारत का बेहतरीन लड़ाकू विमान रफाल चीन के चेंगदू J-20 लड़ाकू विमान को मात दे पाएगा। चीन दावा करता है कि उसका लड़ाकू विमान J-20 जैसा विमान सिर्फ अमेरिका के पास है। रफाल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो अपनी खूबियों से ज्यादा अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता है। तकनीकी पहलुओं की बात करें तो रफाल परमाणु मिसाइल डिलीवर करने में सक्षम है। ये दुनिया के सबसे शानदार और बेहतरीन हथियारों को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। इसमें दो तरह की मिसाइलें हैं, जिसमें एक की रेंज 150 किलोमीटर है और दूसरे की रेंज करीब 300 किलोमीटर। परमाणु हथियारों से लैस रफाल विमान हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। इस विमान की जमीन से ऊंचाई करीब 5 मीटर और लंबाई 15 मीटर है। रफाल को अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया की जंग में इस्तेमाल किया जा चुका है। इन जंगों में इस विमान ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, लेकिन चेंगदू J-20 के साथ ऐसा नहीं है। चेंगदू J-20 ने अब तक दुनिया के सामने अपनी काबिलियत का नमूना पेश नहीं किया है। रक्षा मामलों के जानकार राहुल बेदी कहते हैं, चेंगदू की काबिलियत अब तक दुनिया के सामने जाहिर नहीं हुई है। इसका पहला टेस्ट हुआ था साल 2011 में और सर्विस में ये आया सितंबर अक्टूबर 2017 में, और इसका पहला कॉम्बैट यूनियन 2018 में बना। ऐसे में इसकी तकनीकी क्षमताएं अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई हैं, लेकिन रफाल की काबिलियत को अफगानिस्तान में इस्तेमाल करके देखा जा चुका है। ऐसे में उसमें तकनीक स्तर पर पारदर्शिता ज्यादा दिखती है। इन दोनों विमानों में एक बारीक अंतर ये भी है कि रफाल 4.5 यानी 4.5 जनरेशन का है, लेकिन J-20 कथित रूप से 5वीं जनरेशन का फाइटर प्लेन है। राहुल बेदी कहते हैं कि भारत का रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जबकि माइटी ड्रैगन के नाम से मशहूर चेंगदू J-20 को लेकर चीनी सरकार का बयान माने तो ये 5वीं जनरेशन का फाइटर प्लेन है, और इस समय दुनिया में सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट 5वीं जनरेशन के हैं। एक J-20 है और बाकी दो अमेरिका के पास है, जिनका नाम है F-22 और F-35। ये दोनों विमान लगभग एक जैसे हैं। रफाल की खासियत उसका मिसाइल सिस्टम है। एक मीटियोर मिसाइल है जो कि हवा से हवा में 150 किलोमीटर की दूरी पर और दूसरे विमान पर हमला कर सकती है। इसमें एक और लॉन्ग रेंज मिसाइल स्कैल्प है, जिसकी रेंज 550 से 600 किलोमीटर है। इसके साथ ही एक शॉर्ट रेंज मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 20 से 30 किलोमीटर है। ये मिसाइल सिस्टम काफी आधुनिक है। वहीं J-20 के मिसाइल सिस्टम की बात करें तो उसके पास भी छोटी और लंबी दूरी और हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, लेकिन J-20 के मिसाइल सिस्टम की क्षमता पर लोगों को काफी शक है। भारतीय नौसेना में कमोडोर के पद पर रह चुके रक्षा विशेषज्ञ C. उदय भास्कर भी मानते हैं कि इस समय के हालात में रफाल J-20 से बेहतर नजर आता है। वो कहते हैं, रफाल तकनीकी आधार पर J-20 से ज्यादा विश्वसनीय है। दोनों विमानों की अलग अलग पहलुओं पर तुलना करें तो रफाल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, उसे मैनूवर करने की क्षमता और टारगेट पर मार करने की क्षमता, ग्राउंड स्टेशन के साथ जानकारियों के आदान प्रदान की उसकी काबिलियत और मिसाइल सिस्टम के साथ रफाल J-20 समेत हमारे क्षेत्र में मौजूद सभी विमानों से बेहतर माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि J-20 को अब तक किसी ऑपरेशनल रोल में टेस्ट नहीं किया गया है। इन दोनों विमानों में तकनीकी अंतर क्या है? बारीक तकनीकी पहलुओं पर गौर करें तो दोनों विमानों में कुछ अंतर नजर आते हैं, लेकिन चीन की ओर से पुष्ट जानकारी न होने की वजह से जानकार J-20 की क्षमताओं को लेकर आश्वस्त नहीं है। भास्कर बताते हैं कि अगर इन दोनों विमानों की रेंज की बात करें तो J-20 की रेंज का अब तक खुलासा नहीं किया गया है। रफाल का 3700 किलोमीटर का रेंज है। दोनों विमानों की स्पीड में भी बारीक अंतर है। J-20 के बारे में कहा जाता है कि वो 2200 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच सकता है। वहीं रफाल की स्पीड में जो हमें लिखित रूप से जानकारी दी गई है वो करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु रफाल का आकार J-20 से छोटा है और ये हल्का है। उदाहरण के लिए J-20 का भार 19 टन के आसपास है, वहीं रफाल लगभग 10 टन का है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में जो सबसे खास चीज होती है उसे कहते हैं एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर। सुनते हैं कि अब तक J-20 के पास ऐसा अत्याधुनिक राडार नहीं पहुंचा है। रफाल के वायुसेना में शामिल होने के बाद से टीवी चैनल और सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रफाल आने से अब चीन डर जाएगा, लेकिन दोनों ही जानकार इस बात से असहमत नजर आते हैं। राहुल बेदी और उदय भास्कर दोनों ने अपने अपने अंदाज में कहा कि रफाल विमानों का आना एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे चीन के डरने और लद्दाख पर जारी सीमा विवाद पर तत्काल असर पड़ने की बात बेमानी है।